kiss for you. हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम फॉर्म 15 जी को किस तरह से फिल कर सकते हैं, किस तरह से भर सकते हैं, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। बात करें कि कब हमें पीएफ का विड्रॉल करते टाइम फॉर्म 15 जी को फिल करना है और अपलोड करना है, किस केस में अपलोड करना है। तो अगर आपकी सर्विस 5 साल से कम है और आपका पीएफ का विड्रॉल 50,000 से ज़्यादा है, तभी आपको पीएफ विड्रॉल पर फॉर्म 19 फिल करते टाइम फॉर्म 15 जी को फिल करके अपलोड करना है। अगर आपकी उस साल की इनकम टैक्सेबल लिमिट में नहीं आती है तो आपको टैक्स बचाने के लिए, टैक्स कटने से बचाने के लिए फॉर्म 15 जी को फिल करके अपलोड करना है। आपको बता दें कि आपकी सर्विस 5 साल से कम हो तब आपको केवल पीएफ का बैलेंस ही चेक करना है, पेंशन का बैलेंस चेक नहीं करना है। पीएफ का अमाउंट ही चेक करना कि 50,000 से ज़्यादा है या कम, तो भी आपको यह फॉर्म भरना है। अब बात करें कि किस तरह से हमें फॉर्म फिल करना है और किस तरह से डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले डाउनलोड करने के बारे में बता दें कि आपको इस किस तरह से डाउनलोड करना है। तो आपको इस पेज की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जो पेज हमने यहाँ पर ओपन करके रखा है। तो वहाँ से इस पेज को आपको ओपन कर लेना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पेज की लिंक मिल जाएगी। उसके बाद कुछ नीचे आओगे तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर्म नंबर 15G और उसके नीचे लिखा हुआ है पीडीएफ। तो आपको पीडीएफ ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपकी फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि मैंने यहाँ पहले से ही डाउनलोड करके रखी है, तो यहाँ पर लिखा हुआ रहा है कि अगेन डाउनलोड करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर कैंसिल कर लेता हूँ। तो चलिए आप जानते हैं किस तरह से हमें फिल करना है। तो आपको इस फॉर्म को डाउनलोड करना है, किस तरह वो हमने अभी बताया, तो उसको डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको इसको प्रिंट करवा लेना है। प्रिंट करवाने के बाद आपको उसको पेन से फिल करना है। तो किस तरह से हमें फिल करना है वो हम जानेंगे आगे। डाउनलोड होने के बाद कुछ फॉर्म इस तरह से आपको नजर आएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो इस फॉर्म में दो पार्ट दिए गए हैं। तो आपको फर्स्ट वाला पार्ट ही फिल करना है, सेकंड वाला पार्ट फिल नहीं करना है। तो फर्स्ट वाला पार्ट को आपको प्रिंट करवा लेना है। तो चलिए आप देखते हैं किस तरह से हमें इस फॉर्म को फिल करना है, फॉर्म को किस तरह से फिल करना है, किस तरह से भरना है। वो जानने से पहले एक और बात मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो भी कॉलम दिए गए हैं वो नंबर वाइज दिए गए, जो भी पॉइंट दिए गए वो नंबर वाइज दिए गए। उसके अलावा भी आप देख सकते हो यहाँ पर दूसरे नंबर के कॉलम में, दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है पेन ऑफ द एसएससी के बाद छोटे अक्षर में एक नंबर लिखा गया है। उसी तरह आप यहां पर आओगे, स्क्रॉल करोगे इस तरह से, तो यहां पर तीसरे पॉइंट पर लिखा हुआ है स्टेटस के बाद छोटे अक्षर में दो नंबर लिखा गया है। उसी तरह यहां पर चार नंबर के कॉलम में आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर के बाद यहां पर छोटे अक्षर में तीन नंबर लिखा हुआ है। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको बता दें कि यहां पर जो भी डिटेल दी गई वो शॉर्ट में दी गई, और उसके बारे में आपको डिटेल से जानना हो तो आपको पार्ट टू में चले जाना है। आप देख सकते हो पार्ट टू ये आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा, तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक नंबर, दो नंबर उसी तरह लिखा गया, और यहाँ डिटेल से वो जो भी लिखा हुआ है वहाँ पर उसको बारे में यहाँ पर डिटेल से जानकारी दी गई। तो इसे आप रीड करना चाहो तो रीड कर सकते हो, बाकी मैं जिस तरह से आपको बताऊंगा उसी तरह से आपको इस फॉर्म को फिल करना है। तो चलिए आप जानते हैं कि किस तरह से हमें इस फॉर्म को भरना है। तो चलिए आप जानते हैं हमारे पीएफ विड्रॉल के लिए हमें फॉर्म 15G किस तरह से भरना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो एक नंबर के कॉलम में लिखा हुआ है नेम ऑफ एसएससी डिक्लेरेंट। तो आपको यहाँ पर आपका यूएन का नाम लिखना है, यूएन में आपका जो भी नाम है वो नाम यहाँ पर आपको फर्स्ट वाले कॉलम में लिखना है। बात करें दूसरे कॉलम की, तो दूसरा पॉइंट में लिखा हुआ है पैन ऑफ द एसएससी, तो आपको यहाँ पर आपका पैन नंबर लिखना है। तीसरे कॉलम में लिखा है, तीसरा जो पॉइंट लिखा है वो लिखा है स्टेटस, तो आपको यहाँ पर लिखना है इंडिविजुअल। तो चलिए अब जानते हैं चार नंबर पॉइंट के बारे में। तो चार नंबर के कॉलम में लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर फॉर विच डिक्लेरेशन इज बिगिन मेड। तो यहाँ पर आपको उस वक्त का फाइनेंशियल ईयर लिखना है जिस वक्त आप यह फॉर्म भर रहे हो और अपलोड कर रहे हो। तो आपको बता दें कि फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है किसी भी ईयर का अप्रैल से लेकर दूसरे ईयर के मार्च एंड तक। तो एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं, अगर किसी ने इस फॉर्म को भरा होगा 2020 में जनवरी, फरवरी और मार्च में, तो उसको लिखना होगा 2019-2020, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2019 का एंड होता है मार्च 2020 में। ऐसे ही किसी ने अगर 2020 में अप्रैल से लेकर दिसंबर तक कोई भरता है इस फॉर्म को, तो उसको लिखना होगा 2020-21, क्योंकि 2020 का फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाता है 2020 के अप्रैल से और एंड होता है 2021 के मार्च तक। तो यानी कोई फॉर्म भरता है 2020 में अप्रैल से दिसंबर तक, तो उसे 2020-21 लिखना होगा, और 2021 के जनवरी, फरवरी और मार्च तक भरता है फॉर्म तो उसको लिखना होगा सेम 2020-21। अगर कोई 2021 में अप्रैल के बाद भरता है, अप्रैल से या अप्रैल के बाद भरता है, तो उसे लिखना होगा 2021-22, क्योंकि तब का फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका होगा 2021 का और एंड होगा 2022 में। तो इस तरह से आपको इस फॉर्म को भरना है। चौथे नंबर के कॉलम में आपको इस तरह से फाइनेंशियल ईयर लिखना है, जब भी आप फॉर्म भरे तब का फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे लिखना है। अब बात करते हैं पाँच नंबर पॉइंट के बारे में। तो पाँच नंबर कॉलम में लिखा हुआ है रेसिडेंटल स्टेटस, तो यहाँ पर आपको लिखना है इंडियन रेसिडेंट या केवल रेसिडेंट लिखना है। अब नेक्स्ट आपको 6 नंबर से लेकर 12 नंबर के पॉइंट तक आपका एड्रेस लिखना है। तो चले देखते हैं किस तरह से हमें अपना एड्रेस लिखना है।
तो बात करें 6 नंबर में, तो 6 नंबर में लिखा हुआ है फ्लैट डोर या ब्लॉक नंबर। तो यहाँ पर आपको आपके फ्लैट डोर या ब्लॉक का या फिर आपके घर का हाउस का नंबर लिखना है। 7 नंबर में आपको नेम ऑफ प्रेमिसेस लिखा हुआ है, उसमें आपको आपके हाउस का नाम या फिर आपके बिल्डिंग का नाम लिखना है। उसके बाद 8 नंबर में लिखा हुआ है रोड स्ट्रीट लेन, तो यहाँ पर आपको आपके एरिया में जो भी रोड जाता हो उस रोड का नाम लिखना है। उसके बाद बात करें 9 नंबर की, तो 9 नंबर में लिखा हुआ है एरिया लोकेलिटी। तो एरिया लोकेलिटी वाले ऑप्शन में आपको आप जहाँ पे रहते हो उस जगह का एग्जैक्ट नाम लिखना है, आपको आप जो भी जगह में रहते हो उस जगह का नाम लिखना है 9 नंबर वाले ऑप्शन में। 10 नंबर में लिखा हुआ है टाउन सिटी और स्टेट, तो यहाँ पर आपको लिखना है आपके शहर का नाम और आपके जिले का नाम। उसके बाद 11 नंबर में लिखा हुआ है स्टेट, तो यहाँ पर आपको आपके राज्य का नाम लिखना है। उसके बाद 12 नंबर में लिखा हुआ है पिन, तो यहाँ पर आपको आपके एरिया का पिन कोड नंबर लिखना है। तो इस तरह से आपको इस एड्रेस को फिल करना है 6 सिंबल लेकर 12 नंबर के पॉइंट तक। अब नेक्स्ट आपको 13 नंबर में आपकी ईमेल आईडी लिखनी है। उसके बाद 14 नंबर में आपका मोबाइल नंबर लिखना है। तो चलिए अब बात करते हैं 15 नंबर पॉइंट के बारे में। और 15 नंबर पॉइंट में ए और बी दो पार्ट में लिखा हुआ है, और ए पार्ट में लिखा हुआ है वेदर असेट टू टैक्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो इसका मतलब क्या है वो अब जानते हैं। तो इसका मतलब यह है कि क्या आपने लास्ट 6 ईयर में इनकम टैक्स रिटर्न भरा है। तो अगर आप बोलोगे कि यहाँ पर लास्ट 6 ईयर के बारे में तो बताया ही नहीं गया, तो आप देखोगे यहाँ पर मैं जूम करने के बाद आप देख पाओगे यहाँ पर छोटे अक्षर में 1961 के बाद 5 नंबर लिखा हुआ है। तो इस 5 नंबर को आप पार्ट 2 में जाकर रीड कर सकते हो डिटेल में। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, अगर आप किसी चीज़ को डिटेल में जानना चाहते हो और वहाँ पर उसका पॉइंट लिखा हुआ है, तो उसको रीड कर सकते हो पार्ट 2 में जाके। तो चलिए अब जानते हैं कि क्या करना है हमें यहाँ पर। तो अगर आपने लास्ट 6 ईयर में आपका इनकम टैक्स रिटर्न भरा है तो आपको यस करना है। अगर आपने लास्ट 6 ईयर में आपका इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो आपको नो करना है। तो चलिए अब बात करते हैं बी में हमें क्या भरना है। अगर आप यस करते हैं तो ही आपको बी वाले सेक्शन में भरना है। अगर आप नो करते हैं तो आपको बी वाले सेक्शन में कुछ भी भरना नहीं है, कुछ भी लिखना नहीं है। बी वाले सेक्शन में लिखा हुआ है कि इफ़ यस लेटेस्ट असेसमेंट ईयर फॉर विच एसेट। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न लास्ट 6 ईयर में भरा है और आप ऊपर यस करते हो, तो यहाँ पर नीचे आपको लेटेस्ट असेसमेंट ईयर लिखना है। तो असेसमेंट ईयर होता क्या है वो अब जानते हैं। अब बात करते हैं कि असेसमेंट ईयर किसे कहते हैं। तो जैसे कि किसी ईयर का फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है उस ईयर के अप्रैल से लेकर दूसरे ईयर के मार्च एंड तक। तो जैसे कि किसी का भरा होगा इनकम टैक्स रिटर्न 2019-20 के लिए, तो उसने भरा होगा 2020-21 फाइनेंशियल ईयर में। तो 2019-20 का फाइनेंशियल ईयर का उसका असेसमेंट ईयर हो जाएगा 2021-20। अगर किसी का इनकम टैक्स रिटर्न भरा होगा 2018-19 के लिए, उसने 2019-20 में, तो उसका 19-20 हो जाएगा असेसमेंट ईयर। यानी जिस ईयर के लिए आप भरते हो और वो भरोगे अगले साल में, क्योंकि उसका एंड होगा वो ईयर, तभी वो कैलकुलेट करेगा उसकी इनकम और टैक्सेबल लिमिट में होगा, तभी वो भरेगा अपना इनकम टैक्स रिटर्न अगले साल में। तो वो जो भी ईयर में वो भरता है वो उसका असेसमेंट ईयर होता है। तो इस तरह से आपको असेसमेंट ईयर को लिखना है। तो चलिए अब बात करें नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो 16 नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है अल्टीमेटेड इनकम फॉर विच दिस डिक्लेरेशन इज मेड। तो या क्यों आप फॉर्म भर रहे हो, कौन सी इनकम डिक्लेरेशन करने के लिए आप फॉर्म भर रहे हो। तो हम पीएफ विड्रॉल के लिए फॉर्म भरे, तो आपको यहाँ पर पीएफ का जो भी अमाउंट है वो मेंशन करना है, वो लिखना है। 60,000 है तो आपको 60,000 यहाँ पर लिखना है, 80,000 है तो आपको यहाँ पर 80,000 लिखना है। केवल पीएफ का अमाउंट ही लिखना है विथ इंटरेस्ट। तो यहाँ पर आपको वो अमाउंट लिखना है 60,000 या 80,000, जो भी आपका पीएफ का विड्रॉल अमाउंट है वो यहाँ पर आपको लिखना है। 17 नंबर के पॉइंट में लिखा हुआ है अल्टीमेटेड टोटल इनकम फॉर द पीवी इन विच इनकम मेंशन टू बी कॉलम 60 टू बी इंक्लूडेड। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है वो अब जानते हैं। तो 17 नंबर पॉइंट का मतलब यह है कि आपकी इस फाइनेंशियल ईयर में कितनी इनकम होने वाली है वो आपको यहाँ पर लिखना है। साथ ही आपको अपने जो भी 16 नंबर में अमाउंट का डिक्लेरेशन किया वो अमाउंट को भी इसमें लिखना है, टोटल अमाउंट ही आपका लिखना है। यानी आपका इस साल का जो अमाउंट है उसको मिला के आपका जो भी पीएफ विड्रॉल का अमाउंट है वो टोटल यहाँ पर मेंशन करना है। तो एग्जांपल से समझते, अगर आपने 16 नंबर वाले कॉलम में 60,000 लिखा है, उसके अलावा आपकी जो भी इनकम इस साल होने वाली है, तो 1,00,000 आपकी इनकम इस साल होने वाली है और वो और आपकी पीएफ का विड्रॉल का अमाउंट 60,000, तो आपको लिखना है 1,60,000। अगर आपका टोटल इनकम इस साल होने वाली है 1,40,000 और आपका पीएफ का अमाउंट का विड्रॉल है 60,000, तो आपको लिखना है 2,00,000। तो इस तरह से आपको टोटल इनकम लिखनी है पीएफ की, विड्रॉल की, और साथ ही जो इस साल आपकी इनकम होने वाली है वो टोटल इनकम यहाँ पर लिखनी है आपको, मिला के दोनों को मिला के यहाँ पर मेंशन करना है जो भी आपका अमाउंट बनता है वो।
18 नंबर के पॉइंट में लिखा हुआ है कि डिटेल ऑफ फॉर्म नंबर 15G अदर देन दिस फॉर्म फिलेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इफ एनी। तो इसका मतलब यह है कि क्या आपने इस फॉर्म के अलावा इस फाइनेंशियल ईयर में जब यह फॉर्म भर है उस फाइनेंशियल ईयर में दूसरा फॉर्म भी भरा है, अगर भरा है तो उसके बारे में आपको बताना है। तो अगर आपने इसके अलावा भी कोई फॉर्म भरा है तो आपको उसकी डिटेल देनी है। अगर आपने इसके अलावा कोई भी फॉर्म नहीं भरा है फॉर्म 15G को इसी फाइनेंशियल ईयर में, तो आपको यहाँ पर कोई भी डिटेल नहीं देनी। अगर जैसे कि आपने कोई फॉर्म भरा है इसके अलावा फॉर्म 15G, अगर एक भरा है तो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ फॉर्म नंबर 15G, तो यहाँ पर एक लिखना है। उसके बाद जिस भी अमाउंट के लिए आपने यह फॉर्म भरा है उसको अमाउंट को आपको यहाँ पर साइड में लिखना है। यहाँ पर साइड में लिखा हुआ है एग्रीमेंटेड अमाउंट ऑफ इनकम फॉर विच फॉर्म नंबर 15G फिलेड, तो यहाँ पर उसका अमाउंट आपको लिखना है। जैसे कि हम यह फॉर्म भर रहे हैं अपने PF विड्रॉल के लिए 60,000 या 80,000 के लिए, तो वो यहाँ पर आपको लिखना है। अगर इसके अलावा आपने फॉर्म भरा है वो, तो आपको यहाँ पर लिखना है जो भी फॉर्म भरा है एक या दो, तो यहाँ पर नंबर वाले सेक्शन में वो नंबर लिखना है, उसके बाद अमाउंट वाले सेक्शन में अमाउंट लिखना है। तो इस तरह से आपको इस डिटेल को फिल करनी है। 19 नंबर में लिखा हुआ है कि डिटेल ऑफ इनकम फॉर विच द डिक्लेरेशन इज फिल्ड, तो यहाँ पर आपको बताना है कि आप जो भी इनकम के लिए डिक्लेरेशन फॉर्म भर रहे हो उसको डिटेल को उस इनकम के बारे में आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो क्या मेंशन करना है, कौन सी इनकम के बारे में किस तरह से बताना है, वो अब जानते हैं। सीरियल नंबर वाले ऑप्शन में आपको सीरियल नंबर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ रिलेवेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट ETC, तो यहाँ पर आपको लिखना है आपका PF नंबर। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है नेचर ऑफ इनकम, तो यहाँ पर आपको लिखना है PF विड्रॉवल, क्योंकि यह फॉर्म हम PF विड्रॉवल के लिए भर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है सेक्शन अंडर विच टैक्स इज डेडुकेबल, तो यहाँ पर आपको लिखना है 192A, क्योंकि जो हमारा PF विड्रॉवल का सेक्शन है वो है 192A। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ इनकम, तो आपने जो भी 16 नंबर के कॉलम में लिखा है अमाउंट PF विड्रॉवल का, वही अमाउंट यहाँ पर फिल करना है, 60,000 या 80,000, वही अमाउंट यहाँ पर लिखना है अमाउंट ऑफ इनकम वाले ऑप्शन में। तो इस तरह से आपको इस फॉर्म को भरना है। उसके बाद आप नीचे आओगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है सिग्नेचर ऑफ द डिक्लेरेंट, यहाँ पर आपको आपका साइन कर लेना है। उसके बाद कुछ नीचे आओगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है डिक्लेरेशन वेरिफिकेशन। उसके बाद यहाँ पर नीचे लिखा है IV और स्पेस है, तो यहाँ पर स्पेस में आपको आपका नाम लिखना है। उसके बाद कुछ नीचे आओगे तो यहाँ पर लिखा है प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन, तो यहाँ पर आपको लिखना है आपका प्रीवियस ईयर कब एंड हो रहा है। तो जब भी आप फॉर्म भरे हो तब उस वक्त कब प्रीवियस ईयर कब एंड हो रहा है, आपका फाइनेंशियल ईयर कब एंड हो रहा है वो लिखना है। जैसे कि मैं अभी फॉर्म को आपको भर के दिखा रहा हूँ किस तरह से भरना है, वो 2020 के अक्टूबर में, तो अभी चल रहा है फाइनेंशियल ईयर 2020-21, क्योंकि अभी जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है 2020 के अप्रैल से और वो एंड होगा 2021 के 31 मार्च 2021 में। तो यहाँ पर मुझे लिखना होगा 31 मार्च 2021, यानी आपको फाइनेंशियल ईयर कब एंड हो रहा है वो लिखना है जब भी आप यह फॉर्म फिल करोगे तब। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है रिलेवेंट टू द असेसमेंट ईयर और स्पेस है, तो यहाँ पर आपको रिलेवेंट टू द असेसमेंट ईयर वाले सेक्शन में आपका असेसमेंट ईयर लिखना है। तो जब भी आप फॉर्म भर रहे हो उस वक्त का फाइनेंशियल ईयर के बाद का दूसरा ईयर जो भी आएगा वो लिखना है। तो यहाँ पर हमने प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन में लिखा है 31 मार्च 2021, तो यहाँ पर हमें लिखना होगा 2021-22, असेसमेंट ईयर होगा उसका 2021-22 एक ईयर प्लस, तो यहाँ पर लिखना होगा असेसमेंट ईयर वाले सेक्शन में 2021-22। उसके बाद कुछ इधर आओगे तो यहाँ पर फिर से आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन, तो मैं पूरा पैराग्राफ आपको पढ़ के नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन, तो जैसा कि हमने ऊपर आपको बताया उसी तरह आपको यहाँ पर लिख लेना है। तो हमने ऊपर लिखा था 31 मार्च 2021, तो यहाँ पर भी हमें लिखना है 31 मार्च 2021, हमारा यह प्रीवियस ईयर एंडिंग हो रहा है 31 मार्च 2021। तो उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है रिलेवेंट टू द असेसमेंट ईयर, तो यहाँ पर जैसा कि हमने ऊपर लिखा उसी तरह यहाँ पर भी लिख लेना है। तो हमारा जो असेसमेंट ईयर होगा वो होगा 2021-22, क्योंकि अभी जो हमारा प्रीवियस ईयर चल रहा है फाइनेंशियल ईयर वो चल रहा है 2020-21, तो यहाँ पर हमें असेसमेंट ईयर वाले सेक्शन में 2021-22 लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा है प्लेस, तो यहाँ पर आपको आपका जगह का नाम लिख लेना है, आपके शहर का या गांव का कोई भी एक लिख लेना है, शहर या गांव का नाम। उसके बाद लिखा है डेट, तो यहाँ पर आपको डेट लिख लेनी है, जब भी यह फॉर्म आप अपलोड करोगे वो डेट लिख लेनी है। उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ द डिक्लेरेंट, तो यहाँ पर आपका साइन कर लेना। तो इस तरह से आपको इस फॉर्म को भरना है। अगर आपको इस फॉर्म को भरने में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हो। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। इस तरह की और भी वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहे। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।